ऐसा कहते हैं अगर कश्मीर हमारी माँ है तो जम्मू हमारी मासी है। और यहाँ पे जब अपनी फिल्म का कल स्क्रीनिंग हुई तो लोगों के रिएक्शंस बहुत बहुत ही मन को छू लेने वाले थे, क्योंकि फिल्म ही ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे है, कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों के ऊपर फिल्म है। और मेरी इसमें जो भूमिका है इज़ वन ऑफ द विक्टिम्स। और बस बाकी आप फिल्म देखिए। कैसे देखते हैं आप 90 के दशक को? आपने खुद कहा कि मैं कश्मीरी जी जी घर से बिलोंग करती हूँ जी, आई एम आल्सो कश्मीरी पंडित। अच्छा, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को कि जो विविधता उस समय कश्मीरी पंडित बीती थी, इस समय हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं, 32 साल बहुत टाइम हो गया है कश्मीरी पंडित को। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सोच के मूवी में क्या कुछ ऐसा खास है लोगों के लिए कश्मीरी पंडित के लिए मैसेज? ये मैसेज कश्मीरी पंडितों के लिए क्या मैसेज होगा, ये कश्मीरी पंडितों की तरफ से सरकारों और देश के सभी उन दलों के लिए मैसेज है जिनके पास पावर है और था, जो कुछ मदद कर सकते थे, जो दोज हु कुड मेक अ डिफरेंस बट हु चोज टू नेग्लेक्ट द ट्रेजेडी एंड हु वर एपेथेटिक। तो मैसेज तो बल्कि हमारी तरफ से, ये फिल्म तो हमारी आवाज़ बन के इस वक्त आई है और पूरी तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से इसने सच को कहा है। बहुत ही हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ विवेक सर की, पल्लवी मैम की, जिन्होंने ये पहल की है। इट्स पहला इनिशिएटिव है। इस फिल्म को देखने के बाद आई एम श्योर कि बहुत सारे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट में हिम्मत आएगी कि सत्य को लेकर काम किया जाए आर्ट में, जिसका मुझे लगता है कि आर्ट का पर्पज़ ही यही है कि अपने समय के सच को बताना। तो दैट्स इट। जितनी सरकारें आ रही हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर जो है वो बातें करते रह रहे हैं, मगर ऐसा कुछ आपको लगा कि वहाँ के माहौल को देखकर कि अभी माहौल जो है डेवलप हो चुका है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है वो होना चाहिए? बिल्कुल, जो 370 का जो एब्रोगेशन था वो पहला एक बहुत ही अहम कदम है जिससे कि न केवल कश्मीरी हिंदुओं की बल्कि पूरे भारत की वापसी कश्मीर में जो है वो संभव हो सकी है। लेकिन उसके बाद अब क्या, फिलहाल क्या, अभी तक तब से कोई ठोस कदम हमने नहीं देखे, बट वी आर होपिंग दैट यू नो सम कुछ तरह का जो एक हमारा जो जेनोसाइड है उसका सबसे पहले एक्नॉलेज किया जाए। हम रिवर्सल एंड जस्टिस की बात तो करते हैं, रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहला किसी भी सरकारी तंत्र ने, किसी भी सरकारी बॉडी ने एक्नॉलेज नहीं किया हमारा जेनोसाइड। आप अभी भी देखेंगे रिलीफ कमिश्नरी जो हमारे यहाँ पे माइग्रेंट बुलाते हैं, मेरे पास खुद मेरा माइग्रेंट वो है यू नो डोमिसाइल और ये सब, जो माइग्रेंट शब्द इतना बड़ा इंसल्ट है हमारे ऊपर, हम रेफ्यूजीज हैं अपने ही देश में, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं। और तो पहली बात तो आप एक्नॉलेज करिए, उसके बाद रिटर्न की बात होगी, है ना? तो उस जेनोसाइड विक्टिम्स को आप कैसे फिर उसके बाद उनका रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन आप प्लान करेंगे? तो सभी सरकारों की जिम्मेदारी रही है और सभी का रवैया बहुत ही टाल मटोल का रहा है। इस बार जो भाजपा सरकार है मोदी की, अगुवाई में क्या लगता है संभव हो पाएगा? हमारी सारी आशाएं तो उसी सरकार से है, क्योंकि इसके पहले की सरकारों ने तो इतना भी नहीं दिखाया कि 370 के बारे में उनका रवैया बहुत ही फिक्स रहा। मतलब कैसे 370 को देखते हैं आप, कश्मीरी पंडित को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? अभी तक तो देखिए, अभी तक ऑन ग्राउंड तो ऐसा बेनिफिट पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, लेकिन पूरे भारत के लिए है। सो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो हमारे लिए भी वो है। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री का वहाँ घर तो नहीं है ना, दे कैन मूव ऑन फ्रीली, लेकिन मेरा घर तो अभी भी वही है जो धूल धुआं होके, मतलब इट्स बीन बर्न डाउन टू एशेज, मेरा घर तो वहीं मुझे वापस मिलने की जो एक जो इनिशिएटिव सरकार का एक ठोस होना चाहिए उसके प्रति मुझे कुछ मुझे आशा है, आशा इसी सरकार से है, बिकॉज ये सरकार कम से कम सेंसिटिव है और देश के प्रति यू नो प्रो भारत है। कश्मीरी पंडितों की जमीनों पर जो है वो कब्जा किया जा रहा था, इससे पहले वही सरकार है जिसने जो है वो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी मैं देखिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इस पर नहीं पढ़ूंगी बिकॉज मुझे ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं गलत ना बोल दूँ, लेकिन ये है कि सबसे पहली बात हम बहुत ही धन्यवादी हैं सरकार के जिन्होंने एक तो 370 को एब्रोगेट करने का बहुत ही साहसी कदम उठाया एंड कश्मीरी पंडित्स फॉर द कम्युनिटी एज वेल एज ऑल द डोगराज ऑफ द जम्मू, सो जम्मू वॉज वन सेक्शन विच एक्चुअली सेलिब्रेटेड द एब्रोगेशन ऑफ 370 और होल हार्टेडली हमने प्रेज किया इस सरकार का कि इन्होंने 370 को
एब्रोगेट किया। और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज जिनकी जो जो ज़मीनें हैं, देखिए जो है वो मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक के पास वो कागज़ हैं क्या? हम जैसे आपने फिल्म में एक डायलॉग है कि कुछ लोग पाँव में चप्पल, कुछ लोग नंगे पैर भागे, तो ऐसे में आपको लगता है कोई अपने घर के कागज़ लेकर भागेगा, उसकी रसीद और वो सब स्टैम्प? जब एक तरह का इतना मैसिव लेवल का ह्यूमन जेनोसाइड होता है तो उनको ये भी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि यू नो इफ आई सपोज आई हैव अ प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव पेपर्स, नाउ आई कांट इवन प्रूव दैट द प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड बिकॉज नाउ इट्स बर्न डाउन टू एशेस। सो दे शुड हैव दैट सेंसिटिविटी कि वो सामने आके और उन चीज़ों को रेफ्यूजीज के प्रो करे, यू नो प्रो जिसको कहते हैं ना कंज्यूमर फ्रेंडली जैसे शब्द हैं, वैसे ही ये रेफ्यूजी फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए कि अगर हमारी वहाँ प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए कागज़ नहीं है या कागज़ में कुछ भी कोई भी चीज़ें मिसिंग है, तो मैं वही कह रही हूँ इसको बहुत ही ज़्यादा सरकारी मैं नहीं बनाना चाहती पूरे इंटरव्यू को। तो लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म मोर। जी जी, आपको क्या लगता है कि सरकार के पास सही मैसेज जा पा रहा है इस फिल्म की वजह से? बिल्कुल, सरकार, देश, दर्शक, आम दर्शक, जनता और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, आप जैसे लोग, मीडिया कर्मी हमारे जितने साथी हैं जिनके पास सत्य को प्रोपोगेट एम्पलीफाई करने का पावर होता है, उनके पास सही तौर पे एक ह्यूमन डॉक्यूमेंट के तौर पे, एक विजुअल डॉक्यूमेंट के तौर पे ये फिल्म जाती है। और ये आपको मोटा मोटा देखिए 3 घंटे में 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का 32 साल से, या ऐसा कहें 700 साल से जो होता आ रहा है, और ये 7th एग्जोडस है, 7th जेनोसाइड है, वो 3 साल में, 3 घंटे में कंसोलिडेट करना बहुत डिफिकल्ट है। पर फिर भी जो जो घटनाएं इसमें दिखाई हैं, नोबडी कैन से कि ये सत्य से इतर हैं, ये पूरी तरह से 100% सत्य हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी पहली, एक भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म है जो कि जेनोसाइड को एड्रेस करती है। जो एजेंडी, जो मिजरीज कश्मीरी पर तो झेलनी पड़ी, तो इस हवाले से क्या आप सरकार से ये जनता की फिल्म है और जनता इसको देखने के लिए बहुत भयंकर रूप से उत्सुक है, क्योंकि सत्य को हमेशा दबाया गया है, छिपाया गया है, सामने नहीं लाने दिया गया है। और ये फिल्म पहली बार साहसी अटेम्प्ट करती है उस सत्य को दिखाने का। तो जितनी भी सरकारें हमारे देश में, जिस जिस राज्य में हैं, वो अगर इसे टैक्स फ्री करें तो इट विल बी एबल टू रीच आउट बेटर। जी, थैंक यू सो मच। कशीर, हमारे से भाषा सुंबली, तो मैं सुंबल की हूँ इसलिए सुंबली।